उत्तराखंड पुलिस पिछले 2 महीने से फरार इनामी वांछित और गैंगस्टर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसे आज से 1 महीने फिर आगे बढ़ा दिया गया। अभी तक इन 2 महीनों में पुलकित ने 800 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 200 से ज्यादा इनामी अपराधी हैं। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी पुलिस ने जब्त किया। वहीं ADG वी मुरुगेशन ने कहा कि 2 महीने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और अब DGP अशोक कुमार के निर्देश पर 1 महीने तक और आगे अभियान चलेगा। इसके तहत पुलिस जितने भी फरार वांछित और गैंगस्टर अपराधी हैं उन्हें पकड़ने में कामयाब होगी। पिछले 2 महीने वांटेड क्रिमिनल्स का हमारे जो अरेस्ट करने के लिए एक ड्राइव चला था, वांटेड क्रिमिनल्स जो इनामी अपराध है और गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट के, उस अभियान के 2 महीने का अंतिम आज लास्ट डेट है, हमने एक रिव्यू करा है, तो इसको और 1 महीना और बढ़ाने के लिए निर्णय ली गई है DG साहब की तरफ से और 1 महीने इस पर कार्रवाई चलेगी। अब तक के कार्रवाई में हमारे अराउंड 800 के आसपास लोग अरेस्ट हुए हैं जो हमारे वांटेड थे, उस पर अबाउट 264 लोग हैं वो वांटेड विद रिवार्डेड थे, तो और हमारे ऑलमोस्ट अभी अटैचमेंट के लिए 38 करोड़ का प्रॉपर्टीज का आइडेंटिफाई किए हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजे हुए हैं विभिन्न जनपदों में, उस पर भी आगे कार्रवाई होगी और 1 महीना और बढ़ा दी गई इस अभियान को।